अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं टिंडों की रेसिपी लेके आई हूँ। टिंडों का नाम सुन के भागना चाहिएगा, क्योंकि टिंडे हम खाली नहीं पका रहे, टिंडे हम मटन में बनाएंगे। 1/2 kg टिंडे लिए हैं और 1 kg मटन लिया है मैंने। तो मटन को मैंने एक पानी के अंदर एक उबाला दिलाया था और उसका ब्लड वाला पानी उतार दिया, ये इसलिए देखने में ऐसा लग रहा है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 बड़े साइज के प्याज लिए, 2 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, साबुत गर्म मसाले में जीरा, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स, 2 बड़ी इलायची और कुछ काली मिर्चों के दाने, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। नमक तो आप हसबे जायका ही लेंगे, मैं 1 चम्मच डाल लेती होती हूँ। नमक अगर कम लगे तो फिर बाद में ऐड कर लेती होती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने मटन डाला है, उसके अंदर इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया और 1 गिलास पानी डाल दिया। अब इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी। प्रेशर लगा दिया था 5 से 7 मिनट के बाद, जब मटन गल गया तो इसकी मैंने घी डाल के बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली। अगर आपको लगे कि जैसे गोश्त की एक अपनी स्मेल होती है अजीब सी, मुझे तो वैसे की स्मेल नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं गोश्त बनाते वक्त ज़रूर इसके अंदर रोस्टेड मसाले डालती हूँ जो मैंने बना के तैयार करके अपने पास रखे होते हैं। ज़ीरा और साबुत धनिया लेके उसको रोस्ट करके रखा होता है, उसे ऐड करते ही गोश्त की जो अपनी एक बुरी सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और खुशबू बड़ी प्यारी आने लग जाती है। तो जी, यहाँ मटन की मैंने बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम टिंडे ऐड कर देंगे। टिंडे डाल के मैं 5 से 10 मिनट के लिए इनकी भी बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। जब टिंडे सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे तो तब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, अगर पतला शोरबा पसंद है तो उस हिसाब से, हमें बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं पसंद। मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल दिया था क्योंकि मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाना था। पानी डालने के बाद मैं इसे 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे लिड से कवर करके कुक होने के लिए रख दूंगी। तो पानी डालने के बाद मैंने इसका नमक टेस्ट किया था, मुझे नमक कम लगा, मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड कर लिया था। तो अब मैं इसे लिड से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दम की आग पे रख दूंगी, जब तक कि टिंडे बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो तब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो 15 से 20 मिनट इनको पकने के बाद आप देख सकते हैं कि टिंडे भी गल चुके हैं और इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो गई है। अब मैं इसे गार्निश करूंगी ग्रीन चिली और धनिया के साथ, थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और टिंडे गोश्त रेडी है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।